और दोस्तों फिलहाल ना मैं घर से निकल रहा हूँ भाई। गाड़ी स्टार्ट है अपनी, ट्रिप मीटर जीरो कर दिया भाई। देखो ट्रिप मीटर जीरो है, अभी फ्यूल डलाना है इसमें। और भाई देखो अभी घर में ही हूँ मैं, तो घर से निकल रहा हूँ अभी और हम जा रहे हैं भाई केदारनाथ। तो आखिरकार भगवान ने सुनी ली भाई, बुला ही लिया अपने पास। तो भाई अभी चलते हैं, टाइम हो गया अभी भाई। देखो हाँ अब क्या कर रहा? वीडियो और टाइम हो गया भाई, कितना 10 बजने को। देखो 10 बजने को रह गए भाई 5-6 मिनट बस, और अभी देहरादून जाऊंगा। देहरादून से दोस्तों को पिक करूंगा, तब जाएंगे भाई वहां से। देखते हैं कितने बजे निकलेंगे। तो अभी भाई निकलता हूँ मैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ, 8-9 बजे निकलना था पर 10 बज गया। तो भाई निकलता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। और फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं, ये ऋषिकेश वाला टोल है, ये एक ही टोल आएगा वैसे पूरी जर्नी में ना हमारी। तो मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ जिनके साथ जा रहा हूँ मैं। इसको हेलो तो आप जानते हो, अभी सौरभ, मनीष, मनीष, हाय गाइस, गौरव, गौरव, हाय महेंद्र। महेंद्र। तो भाई मेरे नए दोस्त हैं अभी। और फ्रेंड्स अभी ना ये ऋषिकेश वाला यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे ना 4 बजे छोड़ेंगे सबको। तो देखो कितनी ट्रैफिक लग गई यहाँ पे। हाँ 4 बजे निकलेंगे ना यहाँ से। और अभी ना हमने चाय पी ना, कुल्हड़ वाली चाय थी भाई वो, तो उसका हमें 5 चाय बड़ी 130 की भाई, अंकल ने बहुत महंगी लगाई और हमारे 5 रुपये भी एक्स्ट्रा गए। चलो भाई यहाँ से निकलते हैं ना, सुबह हो ही जाएगी फिर दिखेगा व्यू अच्छे अच्छे फिर दिखाएंगे आपको भाई। रुद्रदेवप्रयाग आ गए भाई। देखो ये वाली नदी का कलर देखो ब्राउन है और ये सी ग्रीन है। देखो भाई साहब संगम हो रहा है यहाँ पे, क्या सही लग रहा है ना। और पानी की आवाज़ इतनी सही आ रही है ना फिलहाल, और सुबह भी होने वाली है भाई। ये यहाँ का व्यू है देखो, क्या सही है ना भाई साहब। पर भाई ये देखो यार, अभी तक ना मैंने भाई YouTube पे ही देखा था, ये दूसरों की वीडियो में, आज खुद देखा ना भाई तो अलग ही फील है यार। और वी शेप में बना देखो पूरा। तो यहाँ पे भाई इसी के लिए ब्रेक लिया है हमने यहाँ पे। और भाई वहाँ पे अपनी डेविल खड़ी है भाई, अगर टाइम लगा ना तो आते हुए दोबारा दिखाएंगे इसको दिन में ना। तो अभी देख लिया ये और निकलते हैं फिर यहाँ से आगे। दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका केदारनाथ की यात्रा में। और दोस्तों अभी फिलहाल हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। और भाई अब तक ना रोड बिल्कुल मक्खन जैसे आया है, स्मूथ रोड आया है बिल्कुल। तो सुबह हो गई थी, मैंने सोचा कि आपसे बात कर ली जाए थोड़ी। और भाई अब रुकेंगे हम आगे धारी देवी टेम्पल, जो कि यहाँ से पास में ही है। तो भाई वहाँ पे रुकना मैंडेटरी होता है जब भी केदारनाथ आ जाते हैं, तो 2 मिनट रुको वहाँ पे, बेशक नीचे मत जाओ मंदिर पर रुकना ज़रूरी है 2 मिनट। तो भाई अभी चलते हैं, रुकते हैं मंदिर में 2 मिनट के लिए। और दोस्तों हम पहुंच गए हैं भाई धारी देवी टेम्पल, यहाँ पे रुकना भाई मैंडेटरी है भाई। ये देखो पानी में मंदिर, क्या सही लग रहा है ना। और सामने देखो कितने बड़े बड़े पहाड़, जिन पे आधों पे धूप है आधों पे छाँव है भाई। देखो गजब का नज़ारा है भाई साहब। और इस साइड देखो, और हमारे सभी फ्रेंड ना फोटोग्राफी करने लग गए हैं अभी। और ये अपनी डेविल भाई, इसको भी केदारनाथ के दर्शन कराएंगे, वैसे तो पीछे ही खड़ी हो जाएगी ये। और रोड्स बहुत अच्छे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो गाड़ी क्या सही लग रही है। और भाई टायर की हालत देखो बिल्कुल नए लग रहे हैं, घस घस के ना ये। पर व्यू बहुत अल्टीमेट है यार, ये मंदिर को देख के ना भाई सब हल्की हल्की नींद आ रही थी। देखो रात से चला हूँ ना मैं, 9-10 बजे घर से चला था और अभी तक कंटिन्यू चला ही हूँ भाई साहब। व्यू देखो यार इस साइड ना, जो
पहाड़ों पे हल्की हल्की फोग है ना, क्या सही लग रही है ना यार। तो भाई मेरे को तो अभी ऐसा ही लग रहा है जन्नत में आ गए, और अभी तो आगे जाएंगे तो और व्यू मिलेंगे अच्छे अच्छे और भाई मंदिर के पास ना देखो एक ब्रिज है यार, मन कर रहा है भाई इस पे जाएं, पर एक घंटा मतलब पैदल का रास्ता है, नीचे पता नहीं गाड़ी जाती होगी या नहीं, तो मन कर रहा है भाई उस ब्रिज पे जाएं और फोटो क्लिक करें। चलो आते हुए देखेंगे, अभी फिलहाल चलना है और हमें शाम तक पहुंचना है भाई ऊपर, ताकि हम सुबह वहाँ पे माथा मूथा टेक के वापस आ जाएं, हो सकता है हम रात को भी आ जाएं। और भाई हालत कुछ ऐसी है अपनी, नींद आ रही थी अभी यार, पर ये व्यू देख के ना भाई नींद सारी भाग गई। और अभी पियेंगे चाय कहीं आगे रुक के ना, कोई टी स्टॉल आएगा तो वहाँ पर चाय पियेंगे, कुछ खाएंगे हल्का फुल्का बिस्किट नमकीन या कुछ भी। तो दोस्तों आना ज़रूर भाई, देखो मेरा तो सपना पूरा हो गया भाई, मतलब मेरे को पता भी नहीं था भाई कि मैं केदारनाथ जाऊँगा, ये अचानक से प्लान बना, दोस्त की कॉल आई कि जाना है, पर मैंने यकीन नहीं किया, मैंने कहा यार ऐसे ही बोल रहा होगा, पर भाई फाइनली मैं केदारनाथ आ गया हूँ यार, मुझे बुला लिया भाई भोलेनाथ ने, कब से चाह थी भाई कि जाना है, एक सपना था भाई। और अपनी डेविल वाइस क्या सही लग रही है ना, देखो तो यार भाई ये मर्सिडीज से कम नहीं है भाई, मेरे लिए यही मर्सिडीज है यार। तो भाई निकलते अब आगे चाय पीते हैं। और दोस्तों फिलहाल यहाँ पे चाय की चुस्कियाँ लेते हुए इन वादियों के साथ भाई, चाय के साथ बिस्किट भी है जो कि खत्म हो गए मेरे को लग रहा है, बिस्किट बहुत है पर हमारे पास भाई, ये फिलहाल डस्टबिन में डाल दो यार इसको, आ जा भी ले ले। और फ्रेंड्स फिलहाल हम तिलवाड़ा पहुंचने वाले हैं, लगभग 70 या 75 के अराउंड रह गया हमारा डिस्टेंस, अभी टाइम हो गया भाई 8 बज चुके हैं और हम पहुंच जाएंगे 10 बजे के करीब, और फिर शाम को हमें आरती में भी शामिल होना है अगर हम पहुंच पाए टाइम से तो। भाई जो भी आना जाता है ना, पर अब तो बंद हो गया, जब भी आना जाओगे भाई रोड बहुत अच्छे हैं, पहले से तो बहुत अच्छे हैं, गाड़ी बिल्कुल आराम से आ रही है भाई, देखो हम सेडान लेके आए हैं और फुल लोडेड है गाड़ी, और भाई साइड व्यू देखो एक बार, स्काई बिल्कुल ब्लू आ रहा है जैसे मनाली में थी ना क्लियरिटी, वैसे ही यहाँ पे है। और ये देखना भाई क्या खा रहा है यार, ये हद है भाई इसकी, मतलब शर्म ना, शर्म नहीं है भाई बंदे को, आया नहीं भाई तू ऐसे, माय गॉड टर्न बहुत ज्यादा आ गया भाई। तो दोस्तों यार मैं ना पूरे रोड की इसलिए नहीं बनाई वीडियो, क्योंकि लंबी हो जाती है और बोरिंग लगता आपको भी, तो मैं मेन दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको भी देखने में सही लगे और मुझे बनाने में भी सही लगे भाई। क्लियरिटी देखो एक बार यार, खतरनाक है। और दोस्तों फाइनली हम ना सोनप्रयाग में पहुंच चुके हैं, हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी भाई, लास्ट पॉइंट यही है, यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है, अपना व्हीकल नहीं लेके जा सकते ना आगे, यहाँ से टैक्सी पकड़नी पड़ेगी 5-6 किलोमीटर जो भी है, बाकी भाई सब पूरी पार्किंग यहीं पे है, देखो ऊपर भी है और ये साइड में इस साइड देखो। तो भाई लेट तो हम हो चुके हैं, अब क्या करना है, कुछ खाते हैं पहले, तो हमारे पास कैश भी नहीं है, अभी कैश भी निकलवाना है, तो भाई कुछ खा पी के फिर निकलते हैं ऊपर, बाकी एक बार व्यू दिखा देता हूँ भाई यहाँ से मैं, खतरनाक ही आ रहा व्यू यार, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और साथ में नदी भी बह रही है कोई ना, आवाज़ आ रही है। और हेलो और फ्रेंड्स अभी हम हैं सोनप्रयाग की मार्केट में, ये देखो भाई यहाँ से कुछ भी लेना हो ना यहीं से मिलेगा, आगे कुछ नहीं, आगे बहुत महंगा मिलेगा, वैसे भी महंगा तो यहाँ भी होगा, तो यहीं से उठाओ सब कुछ, और यहाँ से बस मिलती है नहीं टैक्सी मिलती है, वो आगे छोड़ेगी, कितना किलोमीटर जाते हैं
चार पाँच बताया था ना, 4-5 किलोमीटर हट्टा से है पैदल, फिर वहाँ से जाएंगे भाई पैदल ट्रैकिंग के लिए। तो अभी यहाँ पे खाना खुना खाएंगे जो भी, फिर यहाँ से निकलेंगे, जो भी सामान होगा वो ले लेंगे यहीं से भाई। ट्रैकिंग में भाई कम बोला जाएगा क्योंकि, और दोस्तों फाइनली हमारी टैक्सी फुल हो गई, अब जा रहे हैं भाई, देखो गौरीकुंड जाना है, वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी हमारी। और भाई ड्राइविंग देखो इनकी क्या खतरनाक है ना, तो भाई सीधा वहीं मिलते हैं, अभी तो यहाँ पे ना शोर हो रहा है बहुत। और ये हमारे दोस्त, और भाई देखो हम पीछे कितने बैठे हैं, 3 और 3 इस साइड, बहुत दिखा भाई, पूरा दिखा, हमें भी दिखाओ देखो भाई, पूरे किस पीछे बैठे हैं, और मज़ा आ रहा है वैसे सच में अपना, क्योंकि एक्साइटमेंट है ना, आते हुए नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, देखो केदारनाथ 16 किलोमीटर है यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा भाई, हो जाएगा नहीं हो गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे चल रहा है अपना लंच, छोले भटूरे हैं भाई ये है। और भाई कैसे बने हैं, खतरनाक है ना, फिर ठीक है भाई, अभी खाते हैं इसको फिर निकलते हैं ट्रैकिंग पे अपने, क्योंकि भाई ट्रैकिंग तभी करेंगे जब पेट में कुछ जाएगा, और सुबह से कुछ गया नहीं है पेट में, चाय और बिस्किट के अलावा, तो खा लेते हैं। और दोस्तों यहाँ से व्यू देखो यार एक बार, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है भाई साहब, और लोंडे अपने मस्त चल रहा है भाई, पर एक बार पहाड़ देखो कितने ऊपर है यार। और यहाँ पे ना एक अच्छी चीज़ बताऊँ आपको, बहुत सुंदर है ये देखो भाई झरना, जूम करते हैं 1 सेकंड, और ये देखो भाई साहब, मतलब 1, 2, 3 सीढ़ियों में पानी दिख रहा है भाई साहब, क्या लग रहा है यार, खतरनाक ही लग रहा, होप आप सबको भी अच्छा ही लग रहा होगा वैसे ही। तो अभी आगे और दिखाएंगे आपको व्यू। और दोस्तों अभी रास्ते मिला देखो भैरव मंदिर चिरबासा, और भाई यहाँ पे ना लोगों ने ना अपने अपने रुमाल टाई करके गए हैं, कुछ ना कुछ मन्नत मांगी, देखो वहाँ से स्टार्ट है भाई, उस कोने से और यहाँ तक है, ऊपर तक है, मन्नत पूरी होती होगी भाई, मेरे पास रुमाल है नहीं, मैं भी बांध देता, पर आई थिंक ये वापस खोलना भी होता होगा जब एक बार बांध के चल जाते हैं, जब पूरी हो जाती तो। हाँ ये है भैरव, भैरव मंदिर देखो भाई, ये देखो भाई जो है जूते डाल के, और भाई ये है मंदिर। तो अगर आप भी आओगे तो आप भी ट्राई कर लेना, रुमाल लेके आना भाई जरूर। और भाई एक चीज़ और बताऊँ मैं, जैसे चूड़दार ट्रैक पे ना कोई भी मतलब वो नहीं बना रखा चलने के लिए, जैसे स्टेयर्स है, कहीं कहीं प्लेन भी आता है स्टेयर्स भी है, वहाँ पे कुछ नहीं है भाई। तो भाई जो चूड़दार गया उनके लिए थोड़ा इजी पड़ सकता है ये ट्रैक, ऐसा नहीं है इतना टफ भी नहीं है भाई, बस हिम्मत नहीं आनी होती, कुछ भी टफ नहीं होता फिर। और दोस्तों एक और झरना मिला हमें देखो भाई, ये ना वाइड एंगल में भी पूरा नहीं आ रहा था, अभी बहुत ऊपर उठाना पड़ा तब जाकर आया, देखो अभी दिखाऊं भाई, बहुत ऊपर से आ रहा है पानी यार। और भाई जो इसकी ना जैसे मैं देख रहा हूँ और इसकी आवाज़ फील कर रहा हूँ भाई साहब, वो लग रही है ख़तरनाक, आपको इसकी साउंड इतनी नहीं आ रही होगी। भाई वहाँ पे ना सामने अभी देखो पत्थर गिरे हैं यार, वो रेलिंग भी अभी टूटी है भाई, जस्ट हम खुद भाग भाग के आए हैं भाई, वो देखो कैसे भाग रहे हैं वहाँ पे भाई, जहाँ पे गिरा ना वो पूरा जैसे ये सीमेंटेड है ना पूरा ही नीचे बैठ रखा भाई, वहाँ से देखो भाई भाग भाग के जा रहे हैं जहाँ पे खतरा लग रहा, मौसम भी बहुत ख़राब हो गया एकदम देखो।
दोस्तों यहाँ हमारे बाबाजी देखो क्या खतरनाक लग रहे हैं ना। बिल्कुल ओरिजिनल बाबा यार। और भाई हम रुके हैं अभी फिलहाल प्राचीन हनुमान चट्टी पे, यहाँ पे रुके हैं भाई। इस बार ना बहुत लंबा खींचा हमने, डिस्टेंस अच्छा कवर कर लिया, अब रुके हैं हम यहाँ पे वो भी बाबा जी को देख के। तो भाई 2 मिनट का ब्रेक लेके यहाँ से फिर निकलते हैं ऊपर, क्योंकि हम रात से पहले जाना चाहते हैं यार, क्योंकि जो दिन का व्यू है ना भाई वो मिस हो जाएगा। और दोस्तों जो ये घोड़े आ रहे हैं ना भाई, इनसे बच के चलना भाई, जब भी कभी भी आओगे भाई, भाई थोड़ा सा भी धक्का लगा ना तो आप गिरोगे। तो एक बंदा गिरा था अभी, तब बताया मैंने भाई कि जानकारी दे दूँ आपको भी। हाँ तो इनसे बच के चलना भाई, सजेशन आपके लिए। ओह हाय हाय भाई, एक बार ये पिक्चर देखो, सेम टू सेम सीनरी लग रही है, जैसे हम ड्राइंग में नहीं बनाते थे भाई जब 5th 10th तक होते थे। तो भाई देखो चारों साइड पहाड़, एक घर होता था ऐसे जैसे ये है, और नदी भी चल रही है, वो अभी विजिबल नहीं है वैसे, पर आवाज़ आ रही है वो जंगली जंगली क्या है सामने। अबे देख सामने देख, वो देख। तो भाई मैं बोल रहा था कि बीच से नदी भी जा रही है इसके, भाई सेम चीज़ है वही बिल्कुल, अगर नदी दिखती तो बिल्कुल वही चीज़ थी भाई, सीनरी वाली यार, क्या खूबसूरत है ना भाई नज़ारा यार। और भाई ये जो धुआं निकल रहा है ना, धुआं मतलब चिमनी में से या किसी में से भी, तो भाई ये इसकी मतलब और वो कर रहे इसको खूबसूरत यार, इस व्यू को भाई सामने देखो कितना ज़ोरदार आ रहा है पानी यार, कितना प्रेशर है ना भाई। और भाई एक चीज़ दिखाऊँ, देखो ये सामने होल है ना, जो कौन से वाला भला, ये वाला भाई पूल बन रखा है देखो पत्थरों के बीच में यार, सही है ना भाई। और वहाँ पे ना पुल का कुछ हिस्से पड़े हैं टूट के भाई, बह के आए हैं, तो अभी ऊपर से और दिखाएंगे आपको। दोस्तों पुराना रास्ता ना ये होता था केदारनाथ का, ये जो धुएं के ऊपर ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये मैं जूम करता हूँ थोड़ा भाई, ये वाला होता था पुराना रास्ता। पर भाई जब से आप आई ना, देखो यहाँ पे क्या हाल हो गया यार, बता रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे होटल भी थे, सब बह गए भाई। तो यहाँ से हुआ करता था रास्ता, और इस साइड से बनाया दोबारा नया इस साइड से ऊपर। और दोस्तों एक और बात कि यहाँ पे ना ट्रैक पे भाई लाइटें लगाई गई है, ताकि आराम से रात को भी भाई ट्रैकिंग करी जा सके। अभी देखो भाई वहाँ से घूम के आए हैं हम नीचे से यार, यहाँ से आए हैं भाई ऐसे 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 गोल घूम के, अब जा रहे हैं इस साइड। तो भाई अपने कोई एक्स्ट्रा लाइट की ज़रूरत है नहीं है, ये लाइट्स लगाई है इन्होंने ट्रैकिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों जन्नत की आखिरी सीढ़ियाँ ये रही भाई, जिसको भी हम पार कर रहे हैं। इसमें क्या आता है अभी प्रसाद में, आज मंदिर भाई खुला ही है अभी तक, अभी टाइम हो गया है 12 बज गए हैं, और अभी जा रहे हैं हम दर्शन करने। और भाई जीवन का एक सपना तो पूरा होता हुआ भाई, ये देखो श्री केदारनाथ जी, भाई साहब क्या फीलिंग है ना यार। अभी क्लोज से दिखाता हूँ भाई एक बार। और दोस्तों ये रहा केदारनाथ मंदिर।
भाई इस पे ना लाइटें बहुत डार्क लगी है, इसलिए ना व्यू नहीं आ रहा है कुछ खास। भाई क्या स्ट्रक्चर है यार, मैं भी सुबह भी दिखाएं वो पीछे, ये ना जो ये वाला ना, ये वो पत्थर है जिसने इसको बचाया था, पर क्या खतरनाक लग रहा है यार। देखो भाई अलग ही भाई भाई, यहाँ पे मेरे को ठंड लग रही है ना अभी भाई, तो इतना बोला नहीं जा रहा है भाई साहब। बहुत अच्छा मंदिर है यार, बहुत अच्छा। और भाई मंदिर के आगे बहुत फ्लैट सरफेस है बहुत ज़्यादा, और अब सुबह जाएगी इसकी पालकी नीचे भाई मंदिर। हम तो अंदर दर्शन कर रहे हैं, एक पत्थर का टुकड़ा भाई उसको बोलते हैं कि वो भगवान जी की पीठ है, तो भाई अंदर फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं था, इसलिए भाई लेके जाना नहीं चाहिए यार, कोई कुछ बोलेगा तो उससे अच्छा भाई लेके मत जाओ। और पालकी तैयार है जो सुबह नीचे जाएगी गौरीकुंड, और कल इसके कपाट बंद हो जाएंगे, फिर खुलेंगे भाई 5-6 महीने बाद। तो भाई मैं इसकी ना एक दो फोटोज़ लेने की ट्राई करता हूँ, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा क्लियर। और ये ना इसका गेट है, यहाँ से दिखाऊँ ये देखो भाई, यहाँ से देखो एक बार, ये गेट सब बनाया ना इसे, उसके पीछे वो मंदिर है, यहाँ से आ रही भाई बच्ची। तो भाई दर्शन हमने कर लिया, और आप लोगों को भी दिखा दिया मैंने, इस साइड से भी दिखाता हूँ फिर भाई। खाना है कुछ यार, भूख बहुत तेज लगी है, पहले दर्शन हो गए हमारे बढ़िया, खाली पेट तो बहुत अच्छा है। भाई इसके आगे जो भी फ्लड लाइट्स लगी है ना, ये बहुत तेज है इसलिए कैमरे में नहीं पता लग रहा, बाकी मैं फोन से भी लेता हूँ एक शॉट।